हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 14 विषय गणित कक्षा 9 हमारी डेट 6 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे संख्या रेखा पर जो अपरिमेय संख्याएं होते हैं उनको हम कैसे दर्शा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रूट दो, रूट तीन, रूट पाँच इत्यादि ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो एकमात्रक भुजा वाला वर्ग है उसके विकर्ण की लंबाई से हम रूट दो को संख्या रेखा पर आराम से दर्शा सकते हैं ना। देखो कैसे, जो हमारे पास आकृति है ये वर्ग दिया हुआ है, ये सारी भुजाएं मान लो इसकी हमने एक मात्रक एक यूनिट की ली है, तो इसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, वन का इधर और इधर इन दोनों का वर्ग का रूट, मतलब वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट टू आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए संख्या रेखा पर जो ए सी की बराबर लंबाई की चाप रूट दो है उसको हम दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे, पहले कुछ रचना की पद सीख लेते हैं। आपको देखो ये चीज़ें ना पढ़ने से नहीं समझ में आती जब तक हम इनको अपने हाथ से बनाकर ना देख लें। तो एक बार पहले समझ लो, फिर अपने हाथ से हम इसको बनाकर देखेंगे कि किस किस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। देखो वर्ग ए बी सी डी है जो अभी जो ऊपर लिया था उसका ए बिंदु हमने ले लिया, बिंदु ए को संख्या रेखा पर जीरो पर ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो ए डी यहाँ पे हो गया एक मात्रक। उसके बाद हम जो एक है इस एक पर हम क्या बनाएंगे, लंब बनाएंगे। जो सी डी है वो क्या होगा, लंब होगा किस पर, ओ डी पर, सॉरी ए डी पर, ठीक है। तो यहाँ से जो सी डी है इसको भी हमने एक मात्रक का लिया, इसको भी एक का मात्रक का लिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट दो हो जाएगा। अब जो ये रूट दो हो गया, अब इतना हम अपना प्रकार खोलेंगे और ऐसे जब व्रत बनाते चलेंगे यहाँ पर ये ई पॉइंट पर बनता है, तो ये ई पॉइंट क्या है, रूट दो है, ठीक है। यही था सिर्फ छोटा सा। अब आपका जो क्वेश्चन है आज की वर्कशीट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो है प्रश्न एक, रूट तीन को संख्या रेखा पर दर्शाइए। आपको रूट तीन बनाना है, ये आपको कॉपी में करना है, इसकी रचना के चरण भी लिखने हैं आपको, ठीक है, और बनाना भी है। चलो पहले देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको हम। इस तरीके से हमें बनाना है, मैं अभी बना के आपको साथ साथ दिखाऊंगी। ये बनाने के बाद ऐसा दिखेगा, लेकिन आपको अभी मेरे साथ साथ अपना स्केल पेंसिल प्रकार सब लेकर बैठो, मैं अपने साथ आपको जैसा जैसे मैं बनाती रहूँ मेरे साथ आपको बनाना है। उसके बाद ये आपको रचना के चरण लिखने हैं, ठीक है, ये हैं आपके रचना के चरण, ये छः के छः आपको लिखने हैं, ठीक है। तो चलो एक बार बनाना सीख लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो देखो सबसे पहले आपको अपना स्केल लेना है। आपके स्केल में देखो आप दोनों तरफ नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी नंबर्स लिखे होंगे 1, 2, 3 और इस तरफ भी नंबर्स लिखे होंगे 1, 2, है ना, इस तरीके से। तो जो नीचे वाले होते हैं ना इसमें स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैं ये नीचे वाला स्पेस ले रही हूँ ताकि हम आसानी से बना सकें, ठीक है ना। ऊपर वाले में ना बहुत जैसे छोटा छोटा स्पेस है तो बहुत घिचमिच हो जाएगी, तो इसलिए ना हम नीचे वाला स्पेस ले रहे हैं, नीचे के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो आप स्केल को उल्टा करके स्पेस ज़्यादा लेना उसमें, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से अभी बनाना स्टार्ट करती हूँ, ये सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, नाउ इट इज़ क्लियर। चलिए तो मैं क्या करूँगी, पहले मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको, ज़ीरो से लेकर सेंटर से लेकर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बना लो, ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना ली। तो यहाँ से जैसे मैंने इसको पॉइंट मान लिया ज़ीरो, ठीक है, इनके गैप्स पे, ये मैंने इनको मत देखो, 9, 10 नहीं लिखना आपको, बस ये स्पेस देखना है बीच में, ठीक है ना, ये स्पेस ले लेना है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको रख देती हूँ 0, ठीक है, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, आगे आप इसको एरो लगा के ऐसे लाइन लग सकते हो, ठीक है, इस पे भी ऐसे एरो लगा दीजिए। ये हो गया हमारा -1 और ये हो गया हमारा -2, ठीक है, ये हो गई हमारी नंबर लाइन, क्लियर। अब नंबर लाइन हो गई, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा पॉइंट ज़ीरो है, ठीक है, जो पॉइंट ज़ीरो है यहाँ पे और ये पॉइंट 1 है, मैं क्या करूँगी, 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। आपको क्या लेना है, प्रकार लेना है, अपनी जो पेंसिल है उसके अंदर डालेंगे हम, चलिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपका नंबर 1 है, ठीक है ना, जो 1 है 1 पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 1 पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ इसको इस तरीके से, ठीक है, फिर कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हमें रखना है, उतना ही खोलना है कंपास आपका, उतना ही होना चाहिए जितना आपका पहले था, ठीक है ना। ये जैसे आपका 1 हो गया, यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा आपका,
90 डिग्री बन जाएगा, है ना, 90 डिग्री का एंगल बनेगा इनके बीच में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको इस पॉइंट से मिला दूँगी। ठीक है, इस पॉइंट से हम इसको मिलाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे, ये मेरा सेंटर हो गया इस तरीके से, थोड़ा सा हल्का सा ये साइड में है, इसको अब बिल्कुल सेंटर पे बनाना। ठीक है, क्योंकि मेरा कंपास थोड़ा सा लूज़ है। चलिए, अब मैं क्या करूँगी, मुझे इसको 1 सेंटीमीटर जितना मापना है। ठीक है, ये मेरा 1 हो जाएगा इस तरीके से, इसको 1 खोलो, इतना 0 से लेके 1 तक खोलो इसको, इतना खोला। उसके बाद यहाँ पे इसको खोलने के बाद मैंने इस पे आर्क लगाई। ठीक है, यहाँ हो गया मेरा 1। ठीक है, यहाँ पे होता है 1, तो इस 1 को मैं इस 2 से, इस 0 से मिला दूँ। ठीक है, अब इस पॉइंट को इस 0 से मिला दूँ। ठीक है, ये हो गया ये इस तरीके से। तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया √2 units, ये हो गया मेरा 1 unit, और ये भी मेरा कितना है, 1 unit। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, यहाँ पे जो मेरा 1 point है इसको मैं नाम दे देती हूँ A। ठीक है, ये 0 है, 0 को मैं नाम दे देती हूँ O। ठीक है, ये 0 है, ये O है, इसको मैंने नाम दे दिया A। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पे B। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ B। आप इसको ऊपर तक बना सकते हो, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये √2 यहाँ तक ही बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ये तो बिल्कुल आसान है। क्या करना है, एक बार दोबारा से सुन लो। नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन पे 1 point जो है, ये स्पेस आपको ज़्यादा लेना है। ठीक है ना, जो आपका स्केल होता है, देखो ध्यान से फिर से, स्केल पे ऊपर थोड़ा थोड़ा गैप होता है और नीचे ज़्यादा गैप होता है, तो ज़्यादा वाला गैप है ना वो लेकर चलो, नीचे से लाइन लगाओ। 1 unit इतना हो गया, ये 2 unit, ये 3 unit। ठीक है, नीचे से जो ज़्यादा गैप है ना उतना स्पेस देना है सबके बीच में। फिर 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद 1 centimeter पे आर्क लगा दी। 1 centimeter नहीं, मतलब ये जितना 1 है ना, 0 से लेके 1, इतना खोल के यहाँ पे इसको आर्क लगा दी और इसको मिला दिया, तो ये हो गया √2। ये √2 बना है, हमें √3 बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो ये मेरा पॉइंट B था ना, इस पर फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। जितना पहले खोला था उतना ही खोलो कंपास को। ठीक है ना, इसको पहले जितना ही खोल लेते हैं हम। ठीक है, यस, अब ठीक है, पहले जितना। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे रखो, बी पॉइंट पे फिर से आर्क बनाओ। ठीक है ना, बी पॉइंट पे फिर से, अब मुझे क्या करना है, मुझे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फिर से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 120, फिर इन दोनों के बीच में हो जाएगा मेरा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने B पे फिर से क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको, इन लाइंस को मीट करा दो, विजिबल है ना आपको। चलो अब इन लाइन को मीट करा देते हैं, इस पॉइंट से यही यहाँ पे इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से मिला दिया हमने। अब मिलाने के बाद फिर से जो आपका कंपास है उसको कितना यूनिट्स खोलोगे आप, 1 unit खोलो उसको, उसको 1 unit खोलो। ठीक है ना, ये देखो 1 unit हो गया। अब 1 unit के बाद यहाँ पे आर्क लगा दो, ये जो आर्क है, अब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, अब इसको मिला दो, ये आपका √3 हो जाएगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दिया मैंने। अब जो ये वाली लाइन है ना मेरे पास, ये मेरा हो गया √3 आंसर, ये मेरे कितना है, √3 units। ठीक है, बस यही मुझे बनाना था। अब क्या करो, अब यहाँ पे जितना ये आपका खुला हुआ है ना, अब इतना खोलो, यहाँ से लेके यहाँ तक खोलो, इसको बिल्कुल सेंटर पे यहाँ मिलाओगे बेटा। ठीक है, और इसको आप नाम दे दीजिए यहाँ पे, इसको मैं नाम दे देती हूँ सी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको सी जितना खोलो, खोलिया मैंने ये। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको मीट कराती हूँ ये, अब अगर मैं इसको मीट कराती हूँ धीरे धीरे, अगर आप इसको लेकर आओगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लेकर आओगे, तो जहाँ पे ये मीट हो रहा है ना, जहाँ पे ये मीट हो रहा है, ये जो पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है √3, इसको मैं नाम दे देती हूँ ई। ठीक है, बस ये मुझे बनाना था। ठीक है, अब मेरा डायग्राम है जो वो कंप्लीट होता है, यही हमें बनाना था √3। क्लियर, चलिए अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो अब हमारा √3 है वो हमने संख्या रेखा पर बनाना सीख लिया है ना, बिल्कुल आसान था ना। तो अब उसके बना, ये हमारा बना है, अभी ये बनाने के बाद रचना के चरण आपको लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो आपको आज कॉपी में बस यही प्रश्न करना है, ठीक है ना, आपको कॉपी में बस यही करना है और नहीं करना। जो दूसरा है आपको दिया हुआ है, ये है आपके रचना के चरण,
ये लिखने हैं आपको 6 पॉइंट, तो सिर्फ यही आपको लिखने हैं और जो अभी मैंने आपको बनाना सिखाया वो बनाना है। अब जो दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है वो आपको सिर्फ ट्राई करना है, बनाना नहीं है, ठीक है, उसको सीख लेते हैं। चलिए, ये जो दूसरा दिया हुआ है ये आपका क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है जो आपको करके देखनी है, ठीक है। ये कॉपी में नहीं करना, आपको क्या करना है, एक बड़ी सी कागज़ की शीट लेनी है और उस पर वर्गमूल सर्पे बनाना सीखना है, रचना करनी है। आपका NCERT है जो आपकी बुक है उसमें पेज नंबर 10 पे दिए गया है। ये आपको कॉपी में नहीं करना, सिर्फ कागज़ से बनाकर देखना है घर पर ही, ठीक है। तो आज आपको कॉपी में सिर्फ यही करना है, पहला प्रश्न, ठीक है। लेकिन ये आपको अगर बनाना है, करके देखना है, तो कैसे करोगे, ये देखो, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 10 पे। यहाँ से पढ़ के आप साथ साथ एक बड़ी सी शीट लो, बड़ा सा पेज लो और उस पेज पे जैसे जैसे ये कह रहा है ना वैसे वैसे बनाते जाओ, ठीक है ना। ये बस आपको करके देखना है, कॉपी पे नहीं लिखना ये, ठीक है ना। ये कभी ये सारा का सारा नोट कर दो और ये बना दो, कुछ नहीं करना। ये बस एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जो भी मैंने बताया था वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट पूरी होती है। ये एक्टिविटी आप करना चाहते हो तो करके देख सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते तो घर पर ही प्रैक्टिस करनी है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।